लड़का के बाप हमको कहा रुपया लेके कंपराज करो, हम कह रहे कंपराज नहीं करेंगी। तब पर हम लोग को हमको घर पर गया था, दो चार लोग गया था। आज हमारे माँ बहन डर से रोड पर नहीं निकल पा रहे हैं, घर से बाहर निकलने में उन लोगों को संकोच हो रहा है। नमस्कार, बिहार के नंबर वन चैनल मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मधुबनी गिलेशन बाजार में पहुंचे हैं, जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो वहीं आज मधुबनी में किस प्रकार की व्यवस्था है, इसी के आलोक में आज महिलाओं अपने सर पर काला कफन बांध करके निकली है। लगातार अपराध की ग्राफ बढ़ी है, उसी अपराध के ग्राफ को आज मधुबनी के लोगों में गुस्सा के रूप में मधुबनी बाजार बंदी के रूप में की जा रही है। तो ऐसे में महिला दिवस के अवसर पर हम कुछ जानकारी लेंगे कि आप लोग मधुबनी में रहकर कितना सुरक्षित महसूस कर रही है। हमारा बेटी को बलात्कार का समझौता, बेटी को 9 बजे रात में उठा कर ले गया पोस्ट ऑफिस के सामने। हम लोग इसको घटना के नहीं छोड़ेंगी, लड़ाई लड़ेंगी, हम फांसी का सजा देंगी तो देंगी। लड़का के बाप हमको कहा रुपया लेके कंपराज करो, हम कह रहे कंपराज नहीं करेंगी। तब पर हम लोग को हमको घर पर गया था, दो चार लोग गया था झगड़ा झगड़ी हम मतलब करने के लिए, हम मजबूर हो गया मेरा, हम लोग छोड़े मेरा पूरा सामान, हम लड़ाई लड़ेंगी। आपका अपना बेटी है? नहीं, समझौत बेटी है हमको। अच्छा, ये बताइए जो आपके समझौत बेटी है, उस समझौत बेटी यहाँ मधुबनी में आई थी आपके घर पे या कोई किसी कार्य से बाजार में आई हुई थी? हमारा घर पर आते थे मिलने के लिए, बहन से मिलने के लिए आते थे। 8-9 बजे बसों पट्टी से गाड़ी पकड़ा, 9 बजे यहाँ पर निकला, 10 बजे में पोस्ट ऑफिस में घटना हुआ। आपको बता दे कि बिहार सरकार लगातार सुशासन की बात कर रही हो, तो ऐसी सुशासन कौन सी काम की जहाँ महिलाओं को बच्चियों को सड़कों पर चलने में संकोच हो रही है या भय हो रही है? तो ऐसे में एक श्रीमान है, हम इनसे जानकारी लेंगे कि बच्चिया मधुबनी में कितने सुरक्षित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है जी। माँ बहन की इज्जत, आबरू की सुरक्षा करना प्रशासन की जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही में नाकाम हो रहे हैं। आज हमारे माँ बहन डर से रोड पर नहीं निकल पा रहे हैं, घर से बाहर निकलने में उन लोगों को संकोच हो रहा है, और दिन प्रतिदिन बलात्कार, हत्याएं, लूट शहर में हो रही है, जिसको लेकर आज पूरे शहर वासी बिना किसी पार्टी किसी राजनीतिक दल के आह्वान पर, आम नागरिकों के आह्वान पर ही पूरे शहर को उस तरह से बंद कर दिया है कि आज सरकार से लेकर के प्रशासन तक को यह बताया जा रहा है कि हम मधुबनी शहर के वासी अपनी माँ बहन और बहू बेटी की इज्जत को बर्बाद नहीं होने देंगे, अगर हमें बर्बाद करेगा तो हम रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो आपको बता दे कि मधुबनी में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन लोग चुप्पी साधेंगे तो आज न कल उनकी बारी आएगी। तो ऐसे में मधुबनी ही नहीं बल्कि बिहार वासियों को सोचने की ज़रूरत है। जहां बिहार में ऐसी घटनाएं इक्का दुक्का देखने को मिलती थी, लेकिन आप क्या कहें, मधुबनी में ही आपको कई ऐसी घटनाएं मिल जाएगी। जहां मधवापुर में ऐसी घटना घटी थी 2 साल पहले, आज मधुबनी शहर में ऐसी घटना घटी है जहां बासोपट्टी की बेटी अपने संबंधियों से मिलने के लिए मधुबनी में आती है तो उनके साथ ऐसी जबरन कांड होती है, जबरन दुस्साहस वाली बात होती है। तो लोगों में जो गुस्सा है धीरे से ही सही, लेकिन सड़कों पर आज दिख रही है, लेकिन कल तक दिखेगी कि नहीं, ये भी सबसे बड़ी प्रश्न है। हम यहाँ के कुछ लोगों से जानकारी लेना चाहें। क्या नाम है आपका? कपिलेश्वर सा। क्या कहना चाहेंगे आज की जो व्यवस्था है मधुबनी की? आज को जो व्यवस्था है सो मधुबनी वासियों ने सभी मिलजुल के बंद का प्रशासन के विरुद्ध बहुत आह्वान के साथ यानी प्रशासन के विरुद्ध बंद किया गया है, समझे कि नहीं। जो बेटियों को यहाँ पर बेटियों यहाँ पर जो बहु बेटियाँ हैं वो असुरक्षित महसूस चलने में यानी मार्केट के अंदर में चलने में असुरक्षित महसूस कर रही है। क्या आप लोग असुरक्षित महसूस कर रही है कि नहीं? बेटियाँ घर से बाहर निकलने में असुरक्षित है कि नहीं? देखल के बेटी जो है, आप अपनी बेटी को ऐसी घटना को देखकर लगता है कि बेटियों को घर से बाहर निकलने या सड़कों पर किसी काम से पढ़ाई के लिए जाने देंगे देने के लिए समर्थ है? अगर पढ़ेगा नहीं तो कहाँ से बुद्धि सीखेगा? नहीं ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
तो क्या कहना है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए जो मधुबनी में बेटियां खुलेआम सुरक्षित होकर के लाने नहीं जाएगा, बाहर भीतर सब्जी लाने नहीं जाएगा, कुछ भी लाता कुछ लड़का लेके जल गया, इसको शासन क्या होगा, क्या मांग करती है? हाँ, क्या फांसी का सजा होगा? फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। क्या आप लोग मांग करती है? क्या मांग करती है आप लोग? फांसी का सजा, बोल रहा फांसी का सजा होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए, फांसी का सजा मिलना चाहिए। तो ये है आक्रोश मधुबनी की धरती से, जहां मधुबनी की धरती शांति प्रिय धरती मानी जाती थी, मिथिलांचल का गौरव था मधुबनी, लेकिन मधुबनी आज धूमिल हो रही है कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा जो जिन्होंने यहाँ के बेटियों को आबरुओं को नोचने का काम किया है। तो ऐसे में मधुबनी के सड़कों पर देर से ही सही, लेकिन ये आक्रोश अब सड़कों पर आ चुकी है और उस बेटी के न्याय के लिए लोग लगातार मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मधुबनी के सड़कों पर लोग एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें बेटियों को सुरक्षित करना है। आइए थोड़ा और हम ले लेते हैं कुछ बाइट, जहाँ यहाँ के युवा है, यहाँ के कुछ पेरेंट्स हैं जो यहाँ क्या सोचते हैं आज की बेटियों की स्थिति को लेकर। क्या नाम है चाचा? महेंद्र साहब। हाँ, ये नहीं कल आज नहीं तो हमारी बारी होगी तो कल आपकी बारी होगी, तो ऐसे में हम आप भागेंगे तो बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। बोल क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसको बेटी सुरक्षित है? हाँ, उसको फांस देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए रोड पर लाके, दोषियों को फांसी मिलना चाहिए, चौक पर लाके गोली मारना। क्या मांग करते हैं? जानते हैं। आज हमारी बहन है, किसी की भी बहन है, अगर बहन सुरक्षित नहीं है तो हमारी बहन कहीं कैसे जा सकती है? अगर कोई दरिंदा उसके साथ इस तरीके की घटना कर रहा है तो कल हमारी बहन पूजा पाठ के लिए जाएगी, किसी चीज़ के लिए जाएगी, वो तो जाना उसके लिए बेकार है, क्योंकि इस तरीके का हादसा हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारी बहनों के साथ जो घटना हुआ है उसके साथ इंसाफ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको फांसी मिलना चाहिए। हम एक ही बात जानते हैं, नहीं तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। मेरी बेटी बहन सुरक्षित नहीं रहेगी, ये कोई बड़का नेता नहीं है, लेकिन ये जमीन के ऐसे व्यक्ति है जो लगातार कह रहे हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित तब रहेगी जब यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहेगा, और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। नेता तो बड़का बड़का लोभावना वाला वादा करके जाते हैं, लेकिन इनके साथ जो दर्द आज उठी है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मधुबनी में क्यों ऐसा आक्रोश ऐसे ऐसे लोगों के बीच में आई है। क्या कहना चाहेंगे सर? आप तो खुद बेहतर जानते हैं कि मधुबनी का दुर्घटना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम तो लगातार कवरेज करते हैं, हमारी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई जो भी हो, उसके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमारे मिथिलांचल में सब मिल के रहते थे, आज डर के रह रहे हैं, आज डर के रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। नोटिस कीजिए, एक छोटा सा आदमी इस बात को आपको दिखाने का आईना दिखा रहा है कि मधुबनी में क्या व्यवस्था है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबू, बोलिए। फांसी, फांसी मिलनी चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। ये जमघट वाली जो आवाज आपको आ रही है ना, ये मिथिला की धरती से, मधुबनी की धरती से अब आवाज उठ चुकी है, और लगातार कई महीनों से मधुबनी में जमी हुई जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ है। तो हम आपको मधुबनी के गिलेश्वर बाजार से, यहाँ जो आज मधुबनी बंद की आह्वान की गई है, जहाँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसी महिला दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम रखी गई है, जहाँ भारत में ही नहीं बल्कि हर एक जगह इसकी आवाज़ जानी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों की आवश्यकता है कि आप इसे शेयर कीजिए। फांसी के बदले पुलिस चौकी भी उसको मिलना चाहिए, वहाँ पर ही गंगा सागर पर पुलिस चौकी की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जहाँ घटना घटी है ना, अभी भी वहाँ कोई पुलिस चौकी नहीं, कोई पुलिस पिकअप नहीं, तो यहाँ पुलिसिंग व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। मटकोर में आदमी जाते हैं मारपीट फंसा कर के, जबर जबरदस्त छीन लेता है, एनकाउंटर कर देना चाहिए। पुलिस चौकी हमरा चाहिए, अपराधी का एनकाउंटर कर देना चाहिए। मधुबनी की धरती की जो आवाज है, मधुबनी की धरती के जो आक्रोश है वो देखे है, तो आप
आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो बेटियाँ है वो कैसे सुरक्षित रहेगी। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की बेटियों के साथ में किस प्रकार के व्यवहार हो रहा है वो कम से कम आपके पास जा सके और लोगों भारत के कोने कोने तक जा सके। तो हम मधुबनी के गिलेश्वर बाजार से यहाँ की जो स्थिति है वो दिखाए हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक के धाकड़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और धार के तरह इसे शेयर कर दीजिए ताकि ये जाने जाए।